Assalamu alaikum, and here we are with the new widget. There's a padding here. अब पैडिंग की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेता है. पैडिंग की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. सो यू गो टू द गूगल एंड सर्च इज द डेफिनेशन ऑफ द पैडिंग एंड सेज कि पैडिंग का काम क्या है. यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स कंटेंट. और यहाँ पर हमारा कंटेंट क्या है. हमारा कंटेंट है चाइल्ड विजिट. मतलब ये क्या करता है, जो पैडिंग के अंदर चाइल्ड विजिट होता है उसके अराउंड, उसके चारों तरफ से जहाँ से इसको जरूरत हो उसके अराउंड स्पेस क्रिएट करता है. कैसे करता है, हम इसको देखता है, यहाँ से इसको देखेगा. अपन के पास एक है कंटेनर बोले तो, अब इसको क्या करना है हमने. अच्छा, कंटेनर को हमने क्या करना है, कंटेनर को हमने रैप करना है पैडिंग में. अब हमने क्या करना है, अब हमने नया पहले मैं थोड़ा पैडिंग समझा देता है कि पैडिंग करता क्या है. पैडिंग हम ओनली में जाता है तो हाँ ओनली में जाता है. हम ओनली में हम लेफ्ट से स्टार्ट करता है, हम टॉयलेट देखते हैं. ओके, अच्छा पैडिंग करता क्या है कि स्पेस द क्रिएट स्पेस अराउंड द विजिट चाइल्ड विजिट. तो हमारा चाइल्ड विजिट क्या है, यहाँ पर हमारा चाइल्ड विजिट है कंटेनर, उसके अराउंड ये स्पेस जनरेट करेगा. पैडिंग से क्या होता है, स्पेस जनरेट होता है चाइल्ड विजिट के अराउंड. तो हमने क्या कहा है पैडिंग में कि भाई जो आप स्पेस जनरेट करो वो आप लेफ्ट साइड से करो. सो हियर वी गो. ओके, यहाँ से इसको स्पेस जनरेट होकर मिल गया लेफ्ट साइड. लेकिन एक बात याद रखो कि अब इसके पास राइट साइड, अगर हम मैं चाह रहा हूँ कि राइट साइड से इसको स्पेस जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, 12 ही लेते हैं फिर भी, तो ये नहीं करके था, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया आपके पास राइट साइड से सारा स्पेस अवेलेबल है, आपके पास राइट साइड से सारा स्पेस अवेलेबल है लेकिन लेफ्ट साइड से स्पेस अवेलेबल नहीं है. तो जहाँ पे आपके पास स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ से कोई भी डिफरेंस शो नहीं होगा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं टॉप में कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो टॉप में मैं स्पेस अवेलेबल टॉप में स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ 50 में लेकर हूँ. ठीक है, यहाँ पर हमने टॉप में स्पेस लिया, टॉप से लिया. अब टॉप से इतना स्पेस जनरेट करेगा 50 पिक्सल स्पेस जनरेट कर रहा हूँ, मतलब जनरेट करेगा. ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बॉटम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर फिर से 50 लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं बॉटम आपके पास पहले ही अवेलेबल है. आपके पास ये सारा जो ये है जो हिस्सा है ये बॉटम ही आता है, इतना आपके पास अवेलेबल है, इसको कैसे कम करेगा. ये बात तो मानता है कि नहीं. ठीक है, तो ये सीन से कुछ. लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दूँ, मतलब मैं इसको बॉटम पे लाऊं, और क्या कहते हैं अगर मैं इसको बॉटम पे लाऊं, चलो ये करके देखते हैं. आपकी मोहब्बत के खातिर ये भी कर लेते हैं, क्या याद करोगे दादा. अलाइन, ओके अलाइन विजिट यूज़ करेगा मई, इसके अंदर अलाइनमेंट यूज़ होगी. अलाइनमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे अलाइक द मेंट एंड द डॉट एंड द बॉटम राइट, नॉट द टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट. तो ये अब नीचे चला जाएगा, चला गया. अब देखो, अब यहाँ पर मैं इसमें क्या कहते हैं, अभी हमारे पास लेफ्ट में स्पेस कम है तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू लेगा, राइट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अब इसमें टॉप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब हमारे पास सारा स्पेस टॉप में अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं टॉपिक की टॉप में कोई भी वैल्यू लिखूँ तो इससे उसमें पैडिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा स्पेस पहले से जनरेटेड है, उसको पहले से स्पेस अवेलेबल है. मतलब जहाँ से इसको स्पेस अवेलेबल नहीं होगा ना वहाँ से इफेक्ट पड़ेगा. अब इसको बॉटम में इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, बॉटम में इसको सिर्फ 50 जो है क्या कहते हैं डबल वैल्यू 50 जो है स्पेस अवेलेबल है. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं 150 कर दूँ तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा. तो इतना तो ये सीन्स है कुछ इसके. ओके, अब ये हमने तो समझ लिया कि पैडिंग में क्या होता है कैसे होता है. तो अब हम देखेंगे कि इसके जो दूसरे हैं, अब हमने ओनली यूज़ कर लिया. ओनली में आप ये कर सकते हो मेथड में,
कि आप चारों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, दो वैल्यू लेना चाहो, तीन वैल्यू लेना चाहो, चार वैल्यू लेना चाहो, एक वैल्यू लेना चाहो, मतलब आपके पास ऑप्शनल, ये इट इज़ ऑप्शनल, मतलब चारों पैरामीटर आपके ऑप्शनल हैं, इनमें से आप कोई भी एक लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन आपके जो ऑल हैं, ऑल में ये होगा कि आप उसको एक ही वैल्यू दोगे, ठीक है, और वो सारों पर इम्प्लीमेंट होगी, सारे जो अवेलेबल होंगे। ओके, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ओके अब सही है, सारे जो उसके पैडिंग के एक्सपेक्टेंट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब में एक ही वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। अब हो गया, ये समझ आ गया। अब ऑल में ये होगा, होता है। अब और कौन सा है अपने पास, अपने पास और है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। कि आप वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में मैं इसको दे रहा हूँ 100 वैल्यू, ठीक है। और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में आपके टॉप बॉटम दोनों कवर हो जाते हैं, और नहीं, हॉरिजॉन्टल में आपका लेफ्ट और राइट कवर हो जाता है, और वर्टिकल में आपका टॉप बॉटम दोनों कवर हो जाते हैं। तो इसको मैं दे रहा हूँ 200, तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। ओके, सो हियर वी आर विद द विजेट्स, कौन सा पैडिंग। अब हमने कौन सा मेथड एक्सप्लोर करना है, हमने लेफ्ट ये नहीं किया, अच्छा लेफ्ट ये कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको वैल्यू, अच्छा इसमें और ओनली क्या कहते हैं, फ्रॉम द एल टी आर बी और जो अपना क्या मेथड था, ओनली मेथड था, इन दोनों में ये फ़र्क है कि ओनली वाले में आपके पास चारों पैरामीटर्स अवेलेबल थे, लेकिन वो ऑप्शनल थे, मतलब उनमें से आप कितने में, कितनों में वैल्यू देना चाहते हो उतने में वैल्यू दोगे। लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको सारों में वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, ये बात है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू दे सकते हो। लेकिन ओके, तो यहाँ पर मैं 10 ले रहा हूँ, नहीं यहाँ पर मैं 200 ले रहा हूँ, ठीक है ले ली। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 100, इससे टॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टॉप पर पहले इतना स्पेस अवेलेबल है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये क्या कहते हैं हमारा कंसर्न मिडिल में, उसके बाद ये टॉप और बॉटम दोनों में, दोनों वैल्यूज से इसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, तब हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, ऐसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी राइट से भी शायद कोई फ़र्क ना पड़े जब तक मिडिल में ना आए। तो राइट में अगर मैं, राइट में बाद में चेक करते हैं कि इससे इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता। और बॉटम, बॉटम में इफ़ेक्ट होगा इसमें, बॉटम में इफ़ेक्ट, बॉटम में ले रहा हूँ यहाँ पर आपका 200, चलो 300 ले लेते, चलो 250 ले लेते हैं आपकी मोहब्बत में। अच्छा, इन दोनों को मैं अभी 0 रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि इसको क्या कहते हैं एरर दे रहा है, मतलब आपका एक एरर दे रहा है। तो मतलब इसमें आपने चारों पैरामीटर्स फिल करने, सो यहाँ पर मैं इसको 0 0 दे रहा हूँ ताकि आगे देख सकें कि इनसे, इससे कुछ फ़र्क होता है कि नहीं होता। सो ओके, कोई फर्क नहीं आया भैया, चलो 300 कर लेते हैं, शायद आ जाए, आ गया, आ गया, आई एम सॉरी, ये आ गया, वो थोड़ा सा हो गया था, बैग गया था भाई, भैया हमारा विजिट थोड़ा सा बैग गया, तो इस वजह से नहीं आ रही थी इसकी कोई वैल्यू, इसकी कोई भी। अब मैं, अच्छा अब मैं ये पूरा क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पर आ गया, अब मैं इसको राइट साइड पर वैल्यू देता हूँ, नहीं राइट तो ये है ना अपना, राइट में वैल्यू करके देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, शायद ना आए, क्यों ना आए मैं बताता हूँ, पहले वैल्यू देख के देख, आ गया, हो गया, दिस इज़ यहाँ पर कुछ हुआ है, कमाल का हुआ है। अच्छा यहाँ पर वो राइट, देखो इसमें हमने दो इसको वैल्यूज़ दिए, लेफ्ट भी वैल्यूज़ दी हमने, राइट भी वैल्यूज़ दी, तब क्या होगा, तब जब आप इसको दोनों वैल्यूज़ दे रहे हो और वो दोनों में इफ़ेक्ट उसका आ रहा है, तो आपका कंटेनर की साइज़ कम हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या चाहिए, अगर मैं, अगर वो क्या करता है, अगर वो 100 में इसको दे रहा था, तो अगर वो थोड़ा सा यहाँ हो रहा था तो उसकी ये वाली पैरामीटर गलत हो जाती, मतलब ये फिर इसको ये भी तो देखना था ना भाई, मैंने लेफ़्ट साइड से भी 300 का 300 जो हमारे पिक्सल वैल्यूज़ है उसका क्या कहते हैं स्पेस रखना है, और राइट साइड पे 100 पिक्सल का स्पेस रखना है। तो इससे क्या हो गया, इससे साइज़ कम हो जाएगी, जब दोनों तरफ से आपको वैल्यूज देंगे तो साइज़ कम हो सकती है। तो ये बात याद रखो कि अगर यहाँ पर ये इस तरफ क्यों नहीं आया, मैंने यहाँ पर हटाया, क्या कहते हैं इसको वैल्यू दी, तो इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये यहाँ पर भी उसको एक वैल्यू मिली हुई थी कि भाई आपको लेफ़्ट साइड से 300 पिक्सल के स्पेस पर ही रहना है। तो
तो वो 300 पिक्सल के स्पेस पर ही है, अगर यहाँ पर आता वो कम हो जाता तो वो एक तो एक किस्म की कंडीशन लगी हुई थी भाई यहाँ पर ऐसे नहीं करना आपने, तो ये सीन था इस वजह से इसकी साइज़ छोटी हो गई। अब देखते हैं, अच्छा इसको अभी इसको भी करके देखते हैं, लेट्स सी समथिंग समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग हेयर। थोड़ा ऊपर जाएगा आई गेस, ओके अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू देख, अच्छा एक मिनट रुको, इसको हम 500 करते हैं, रुको रुको धंधा रुको, 500 करते हैं इसको भी, देखते हैं क्या करता है ये, 500 कर लिया हमने इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं 200 वैल्यू दे रहा हूँ, अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ठीक है यहाँ से ये नहीं हिलेगा, इतनी मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ से नहीं हिलेगा, सिर्फ इस कंटेनर की साइज़ कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है, दिस इज़ वॉट इट इज़। तो ये था हमारा पैडिंग विजिट। अच्छा इसका एक क्या कहते हैं मेथड रह गया था, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया और अभी तक उसकी टू बी ऑनेस्ट मुझे इसकी यूजेज अभी तक समझ नहीं आई, तो जब भी मुझे ये चीज़ ये मेथड समझ आ जाएगा तो उस पर भी ट्यूटोरियल बना लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।